लेकिन उससे पहले कमलेश आपका रुख कर लेते हैं। आज क्योंकि होलिका दहन है, उसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी होंगी। आज खास तौर पे माउंट आबू में किस तरह की तस्वीरें नजर आती हैं, बाजारों में क्या तस्वीरें हैं? देखिए मेगा, पहले तो फर्स्ट डे के सभी दर्शकों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, उनका जो त्यौहार है मंगलमय हो। और दूसरी तरफ इस वक्त जहां हम माउंट आबू में खड़े हैं, मैं सहयोगी जितिन मेरे साथ खड़े हैं, उनसे कहूंगा कि वो नज़ारा दिखाएं कि यहां पर जो होलिका का दहन है उसकी तैयारियों को लेकर के यहां के जो स्थानीय नागरिक है वो जुटे हुए नजर आ रहे हैं। और आज होलिका दहन होगा, मेरे साथ बात करने के लिए यहां पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर आज क्या रहेगा, किस प्रकार से आप होलिका दहन यहां पर करने जा रहे हैं? आज होली का त्यौहार 2 साल बाद कोरोना के बाद में मनाने के लिए छूट मिली है, इसलिए आज कोरोना त्यौहार के लिए सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो होली की लकड़ियों की तैयारी कर रहे हैं, कुछ फॉरेस्ट की वजह से थोड़ी लकड़ी की दिक्कत आई, लेकिन अभी लकड़ियाँ ला रहे हैं, चल रही है होली का कार्यक्रम। और शाम को मुहूर्त का रात का 1:30 बजे का है, इसलिए वो उसकी तैयारी करते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये तमाम लोग हैं, सर माउंट आबू में कैसा नजर आता है होली का त्यौहार, और लोग क्योंकि पर्यटन नगरी है, लोग कैसे आते हैं, पर्यटकों के साथ कैसा रहता है? यहाँ पे खाली मतलब लकड़ी के लिए प्रॉब्लम है, बाकी कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ। पर्यटक कैसे देखते हैं होली में, पर्यटक खेलते हैं यहाँ पर? बिल्कुल खेलते हैं साहब, बिल्कुल खेलते हैं। देखिए मेगा, आपसे सौहार्द के साथ, जो माउंट आबू की जो होली है वो खास तौर पर महत्व रखती है, और इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ माउंट आबू का जो मुख्य जो होलिका दहन स्थल है उसके यहाँ पर जो पूजा अर्चना का आज पूरे दिन यहाँ पर दौर चलेगा। दूसरी तरफ मैं एक नजारा मेगा यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि होलिका पर्व है और रंग न हो तो यह होली अछूती नजर आती है। तो देखिए यहाँ पर जो ये दुकानें हैं, होली के जो रंग हैं, विभिन्न जो रंग हैं, जिन रंगों से यहाँ पर होली खेली जाती है, वो यहाँ पर रंग बाजार में यहाँ पर सजे हुए नजर आ रहे हैं। और कह सकते हैं कि जो नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, देखिए यहाँ पर मेगा, ये जो बच्चे हैं यहाँ पर होली का रंग यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू में जो होली का रंग है वो यहाँ पर निखरता हुआ नजर आएगा। देखिए जो छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर जो ये तमाम जो पिचकारियाँ हैं, ये रंग है, जो होली के जो ये रंग है, इन रंगों को लेकर के यहाँ पर उत्साह नजर आ रहा है। मेरे साथ दुकानदार हैं, इनसे बात करता हूँ। सर कैसा उत्साह नजर आ रहा है इस बार होली को? बढ़िया है, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की दया है, अभी तो मेहरबानी ऊपर वाले की। देखिए यहाँ पर जो है बच्चे यहाँ पर हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या खरीदने आए हो? रंग। रंग खरीदने आए हो, कैसे खेलोगे होली कल? देखिए यहाँ पर जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, होली के जो रंग हैं वो यहाँ पर निखरते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ ये देखिए यहाँ पर जो कुछ जो दुकानदार हैं और कुछ जो यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर होली के रंग यहाँ पर खरीदने नजर आए। देखिए जो नन्हे बच्चे हैं उनमें भी यहाँ पर उत्साह नजर आ रहा है, और होली के जो कलर हैं उनको खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँचे। मैडम से बात करते हैं, मैडम कैसा उत्साह दिख रहा है इस बार होली को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या प्लानिंग रहेगी? प्लानिंग तो बस बच्चे खुश रहें, और एटमोस्फेयर के हिसाब से गुलाली यूज करूंगी। बेसिकली कहाँ से हैं आप लोग? बेसिकली जयपुर से। जयपुर में कैसा रंग नजर आता है होली का, और माउंट आबू में कुछ इस बार अलग दिखेगा? हाँ, इस बार कुछ अलग दिखेगा। माउंट आबू में मैं फर्स्ट टाइम ही हूँ इस बार होली के लिए, तो एक्साइटमेंट भी काफी है, और तो बच्चे कुछ। तो देखिए यहाँ पर जो ये नन्हे बच्चे हैं मेगा, जो होली के जो रंग है उनको यहाँ पर खरीदते हुए नजर आते हैं। पर्यटक होते हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं। उसके अलावा क्योंकि होली का त्यौहार 2 साल बाद ऐसा मौका पड़ रहा है जब हम खुलकर बिना पाबंदियों के बना पा रहे हैं, तो और खुशी लोगों में दुगनी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूर्यवीर, और कमलेश आपका भी तस्वीरें दिखाने के लिए।